easy craft, best out of waste, desk organizer. Learn with Neha. Follow us on YouTube, Mom and Kids Creativity. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम एंड किड्स क्रिएटिविटी। हम आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही इजी एंड ब्यूटीफुल क्राफ्ट, डेस्क ऑर्गेनाइजर। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए फेविकॉल, 3 पेप्सी की खाली बॉटल, आई एम यूजिंग 250 ml बॉटल, सीजर, 1 ओल्ड सीडी। फॉर डेकोरेशन वी नीड पेपर थ्रेड, ग्लिटर फ्लावर्स एंड बीड्स। These things are easily available in the market. And मैंने इन सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। सबसे पहले बॉटल से हम उसका लेबल निकाल देंगे। अब हम बॉटल को नाइफ की हेल्प से कट करेंगे। तीनों बॉटल को हम अलग अलग साइज में कट करेंगे, 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। फेविकॉल को मैंने इस तरह से एक बॉल में निकाल लिया है और एक पेंट ब्रश का मैं यूज़ करूँगी फेविकॉल स्प्रेड करने के लिए। इससे फेविकॉल को यूज़ करना इजी होगा। आई एम यूजिंग स्काई ब्लू एंड वाइट कलर टू डेकोरेट दिस बॉटल। यू कैन यूज एनी कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। इस तरह से नीचे का ये पार्ट हम थ्रेड से कवर नहीं करेंगे। अब हम अपनी सीटी को भी थ्रेड से कवर करेंगे। बोथ द साइड वी विल कवर विथ थ्रेड लाइक दिस। लास्ट में हम सीजर की हेल्प से थ्रेड को कट करके सीटी को कवर करेंगे। बॉटल और सीटी को थ्रेड से कवर करने के बाद आधा घंटे सूखने के लिए रखेंगे। हमारी बॉटल्स भी अच्छे से सूख गई हैं। अब हम अपनी बॉटल्स को सीटी के ऊपर प्लेस करेंगे। बॉटल के पीछे हम लगाएंगे फेविकॉल। चार घंटे अब हम इसे सूखने के लिए रखेंगे। देखिए, ये अच्छे से सूख चुका है। अब हम बीड्स और फ्लावर से इसको डेकोरेट करेंगे।
सेम पैटर्न यूज़ करके हमने एक और डेस्क ऑर्गेनाइज़र डिज़ाइन किया है। इसमें हमने 500 ml बॉटल का यूज़ किया है। इस तरह से डेस्क ऑर्गेनाइज़र ईजिली हम घर में ही बना सकते हैं। If you like my video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.